Assalamualaikum alaikum to everyone i welcome you all to my next lecture and i hope you all are doing good so today we are going to discuss letter writing and it isn't confined only up to the 10th class 8th class ke liye bhi uh, you know agar unko bhi syllabus mein letter writing hai they too can watch this video and follow the same uh, format that i'm going to show not only 8th 9th 10th एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट कैन ऑल्सो फॉलो द सेम फॉर्मैट क्योंकि लेटर राइटिंग का फॉर्मैट जो है वो सेम है हर क्लास के लिए ठीक है सो लेट्स बिगिन विद टूडेज टॉपिक वॉट इज अटर एकटर क्या होती है लेटर रिटर्न मैसेज है इट इज अटर्न मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर थ्रू अ मीडियम एक मीडियम के थ्रू जब हम मैसेज पास करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वो मीडियम क्या है दैट इज़ अ लेटर राइटिंग ठीक है लेटर एक ऐसा मैसेज है जो कन्वे किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या एक पर्सन से किसी गवर्नमेंट ऑफिस को या किसी भी आ, किसी भी दूसरे इंसान को एक मीडियम के थ्रू एक मीडियम के थ्रू दैट इज कॉल्ड एज लेटर राइटिंग और यू कैन डिफाइन इट इन दिस वे ऑल्सो अ लेटर इज़ अ रिटर्न और प्रिंटेड मैसेज रिटर्न क्यों क्योंकि लेटर्स हैंड रिटर्न भी होती है और प्रिंटेड क्यों आप कुछ आप लेटर्स प्रिंट भी कर सकते हो और हाथ से भी लिख के बेच सकते हो ठीक है अ रिटर्न और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबडी इज अटर राइटिंग आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट लेटर्स. एवरी वन ऑफ यू नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. कितने टाइप्स होते हैं लेटर्स के? दो टाइप्स. एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल अब फॉर्मल लेटर्स कौन लेटर्स हैं? जो बिजनेस फर्म्स को भेजी जाए लेटर्स विच आर सेंड टू बिजनेस फर्म्स टू द एडिटर ऑफ द न्यूज पेपर एप्लीकेश इन्विटेशमेंट ऑफिशियल्स या जो लेटर्स हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेंड करते हैं वो सारी क्या है फॉर्मल लेटर्स अब जो ये है इफ द लेटर इज रिटर्न ऑन मैरिज और इंगेजमेंट तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आप इन्विटेशन को फॉर्मल में नहीं इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे बट इफ द इन्विटेशन इज इफ द लेटर इन्विटेशन लेटर इज रिटर्न फॉर ग्रेजुएशन सेरेमनी ओके फॉर ग्रेजुएशन सेरेमनी फॉर एनुअल डे फंक्शन फॉर एनुअल डे फंक्शन या ऐसा कोई भी इवेंट हो ओके okay? ये सारे फॉर्मल यू नो इवेंट्स है चाहे ग्रेजुएशन सेरेमनी हो एनूअल डे हो या कोई भी इवेंट हो किसी भी फॉर्मल जगह पे उस टाइम पे जो ये इनविटेशन लेटर होती है उसे आप फॉर्मल कैटेगरी में डालते हो तो इनविटेशन लेटर्स जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है बट एज़ फार एज़ बिज़नेस लेटर्स आर कंसर्न लेटर्स विच आर सेंड टू एडिटर ऑफ द न्यूज़ पेपर एप्लीकेशन हो या गवर्नमेंट ऑफिशल्स को लेटर्स जो भेजी जाती है वो सारी फॉर्मल है सिर्फ इनविटेशन इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है ठीक है होप यू अंडरस्टूड उसके बाद सेकेंड टाइप इज इन फॉर्मल लेटर्स इन फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है दीज आर दोटर्स विच आर सेंड टू पेरेंट्स रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जो हम अपनों को बेचते हैं रिलेटिव हो पेरेंट्स हो या फिर फ्रेंड्स हो कोई भी हो आंट हो नैफ्यू हो जो रिलेटिव जो रिलेशन में आते हैं वो इन फॉर्मल लेटर्स होती हैं फाइन उसके बाद लेटर को समझने के लिए या उसको सही ढंग से लिखने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड रिमेंबर इट प्रॉपरली फॉर्मेट को समझने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द सब्सक्रिप्शन एंड सैल्यूटेशल्युटेशन क्या होता है लाइक like जब आप लिखते हो डियर मैम डियर सर डियर फादर और मदर उसे सैल्यूटेशन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है या आप एंड पे लिखते हो लेटर के यू अफेक्शनेटली यू फेथफुली दोज आर कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन ठीक है ठीक है तो अगर आपका लेटर यू आर सेंडिंग इट टू समबडी हु इज़ इन योर रिलेशन एंड रिलेशन कैन बी एनी थिंग इट कैन बी योर आंट अंकल नेफ्यू नीस ब्रदर सिस्टर मदर फादर एनी थिंग एनी वन तो अगर रिलेशन फ्रेंड्स है ठीक है अगर आपको फ्रेंड को लेटर भेजनी है तो सैल्यूटेशन आप कैसे लिखोगे माई डियर मंशा या तो आप सीधे नाम लिख सकते हो और आगे माई डियर लगाओगे या तो डियर मनशा सीधे लिखोगे या फिर डियर फ्रेंड जो भी नाम होगा ठीक है तीन वेज है लिखने के इनफॉर्मल uh, लेटर में सैल्यूटेशन अगर फ्रेंड को लिख रहे हो या तो माई डियर मंशा लिख सकते हो ठीक है या तो डियर मंशा लिख सकते हो मीन नेम आप अपने हिसाब से चेंज करोगे या तो डियर फ्रेंड लिख सकते हो अगर आपने ये सैलोटेशन दिया तो फ्रेंड को जो लेटर आप भेज रहे हो उसमें सब्सक्रिप्शन कैसे होगा यू विल राइट योर सेंसेरली या फिर योर सिंसेअर फ्रेंड और एवर योर्स सिंसेयरली योर्स या फिर योर्स ऑलवेज तो ये जो फाइव वेज uh, है ऐसे आप सब्सक्रिप्शन लिख सकते हो वन विल बी योर सेंसेअरली योर सेंसेर योर सेंसेअर फ्रेंड एवर योर्स सिंसेयरली योर्स या योर्स ऑलवेज ठीक है इस तरह से आप अगर फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो दिस शुड बी योर फॉर्मैट फॉर राइटिंग सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन नाउ इफ यू आर सेंडिंग द लेटर टू द ब्लड रिलेशनस ठीक है लाइक फादर मदर सिस्टर ब्रदर नेफ्यू नीस आंट अंकल किसी भी ब्लड रिलेशन को आप लेटर लिख रहे हो सैल्यूटेशन कैसे लिखोगे माई डियर फादर या डैड माई डियर डैड ओके और माई डियर मोम और मोम और मतलब ऐसे भी लिख सकते हो माई डियर ब्रदर या सीधे ब्रदर माई डियर सिस्टर माई डियर अंकल माई डियर आंट या सीधे ही अंकल आंट और सिस्टर और ब्रदर ठीक है ऐसे आप सैल्यूटेशन लिख सकते हो देन सब्सक्रिप्शन कैसे लिखोगे

1 2 एंड 3 थ्री वेज है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन uh, लिख सकते हो अगर आप ब्लड रिलेशन में किसी को लेटर लिख रहे हो ठीक है आफ्टर दैट अगर किसी स्ट्रेंजर को अक्वेंटेंस इज समबडी हु इज अ स्ट्रेंजर टू हुम यू नो बट नॉट कंप्लीटली आप जिसे थोड़ा सा जानते हो लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हो उसे अक्वेंटेंस कहते हैं या फिर किसी स्ट्रेंजर को लेटर लिख रहे हो तो सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे डियर मिस्टर शर्मा या तो सीधे नाम लिखो आगे डियर लगा दो या तो सीधे डियर प्रोफेसर कालरा मतलब प्रोफेशन और उसका कास्ट या नेम जो भी है और माई डियर सर और माई डियर मैडम दिस कैन बी द वे दिज कैन बी द वेज दैट यू कैन राइट इन वाइल यूर राइटिंग सैल्यूटेशन वेन यू सेंडिंग अ लेटर टू अ अ टू स्ट्रेंजर और टू एन एक्वेंटेंस ठीक उसके बाद उस लेटर में सब्सक्रिप्शन कैसे लिखोगे योर्स ट्रूली या योर सिंसेअरली यू हैव अ चॉइस या तो योर्स ट्रूली लिखो या तो योर सिंसेरली लिखो किसको? जब आप लेटर किसी स्ट्रेंजर या एक्वेंटेंस को लिखते हो उसके बाद बिजनेस लेटर्स बिजनेस लेटर्स में आप सैल्यूटेशन में क्या लिखते हो सीधे ही डियर सर या डियर मैडम ठीक है और सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे आप बिजनेस लेटर्स में ज फेथफुली और यो ऑर्ज सिंसेरली ठीक है दोनों में से एक लिख सकते हो यू ऑज फेथफुली और यूज सिंसेरली और सेलुटेशन बहुत ईजी है डियर सर डियर मैडम अगर बिजनेस लेटर लिख रहे हो नाउ इफ यू आर सेंडिंग द लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज पेपर तो सैल्यूटेशन में या तो सीधे स या डियर स या मैडम और डियर मैडम ठीक है या तो सीधे स या मैडम लिखो या तो डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन में अगेन इट विल बी सेम यस ट्रूली यर्स फेथफुली ठीक है इट विल बी सेम दोनों में से कोई एक लिख सकते हो नाउ इफ यू आर सेंडिंग अ लेटर टू एनी अथॉरिटी और हाई ऑफिशियल्स वहाँ भी आप सीधे सर या मैडम लिख सकते हो ठीक है एंड इन दी सब्सक्रिप्शन वोट आर यू गोइंग टू राइट योर्स फेथफुली ठीक है एंड इफ यू विल राइट योर्स ट्रूली एज वेल तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है ठीक है नाउ मोस्टली टीचर्स हेड मास्टर्स या प्रिंसिपल्स को हम एप्लीकेशन ही लिखते हैं तो वहाँ पर भी सैल्यूटेशन जो है वो सेम ही रहेगा सर और मैडम एंड सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखोगे योर्स ओबीडियंटली या यू फेथफुली दोनों में से आप एक लिख सकते हो ठीक है प्रिंसिपल हैड मास्टर या टीचर यू फेथफुली यू आज ओबीडियंटली दोनों में से आप एक लिख सकते हो ठीक है यू फेथफुली आप मतलब यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन राइट यू फेथफुली फॉर ऑल द थ्री थिंग्स आर आई हैव टॉट यू एंड में आप एक नोट uh, याद रखोगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप लेटर बिग इफ यू बिगिनिंग द लेटर विद डियर स डियर मैडम ठीक है आप नाम नहीं लिख रहे हो सीधे स या मैडम लिख रहे हो तो वहाँ पे योर्स फेथफुली लिखना बेटर रहेगा एंड दैट लेटर विद योर्स फेथफुली इफ यू बिगिन द लेटर विद द नेम डियर मिस्टर शर्मा जैसे मैंने आपको कहा था या डियर प्रोफेसर कालरा अगर ऐसे आप नाम लिख रहे हो लेटर में तो वहाँ पे एंड द लेटर विद यज सिंसेरली ठीक है अगर डियर सर मैडम लिखा है सेलोटेशन में तो योर्स फेथफुली लिखना सब्सक्रिप्शन में अगर नेम ही लिखा है ओके okay, तो वहां पे योर योर्सियरली लिखना सब्सक्रिप्शन में फाइन सो दैट विल बी एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फॉर्मैट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन ऑल्सो ठीक है So, I hope you understood everything that I have uh, discussed over here. So, take care. Allah Hafiz. Bye bye.